हेलो फ्रेंड्स, टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट मैक्स मिनिमलिस्ट सोलो शो बाय मनीष अरोरा, ए फैकल्टी विथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU। सुनते हैं उनकी जुबानी उनके सोलो शो के बारे में। आज मैंने सलाम छाट पार सिर्फ न्यास की इसी गैलरी में, जो कि प्रोफेसर मदनलाल गुप्ता काशी हिंदू विश्वविद्यालय के XHOD डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक आर्ट और एमिनेंट स्कल्पचर इन इंडिया है, उनके द्वारा बनाए गए इस कला कर्म स्थल पे अपनी पहली एकल प्रदर्शनी लगाई है, वो भी चित्रकला से संबंधित, जो मैंने अपने पूजनीय पिता श्री लेट श्री राम सजीवन अरोड़ा जी को समर्पित की है। आज मैं जो भी हूँ उनके कारण, और ये प्रदर्शनी जो है पिछले शुक्रवार 5 मई से लेके ये अगले रविवार 14 मई तक चलनी है, सुबह 11 से 7 बजे तक ये रोज खुली रहेगी। इस प्रदर्शनी को करने का जो मेन मकसद था मेरा, वो ये था कि हम जो कुछ अपने जीवन में पाते हैं या जिस परिवेश में रहते हैं, उस परिवेश में क्या सीखा है और उस परिवेश में जो कुछ सीखा उसको अपने कला जैसे क्रिएटिव काम में, जिसको हम लोग पिछले करीब 30-35 साल से मैं पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, जी रहा हूँ, समझ रहा हूँ, एक छात्र होने के नाते और फिर एक छात्रों का अध्यापक होने के नाते, जहाँ ज़्यादा छात्र होना पड़ता है, तो उसमें किस तरीके से काम करने की प्रवृत्ति अपने अंदर डेवलप की जाए, तो बहुत कुछ विचार मन में चलते रहते थे। और पिछले कई सालों में जो काम किया उसमें कुछ अजीब तरीके का विरोधाभास या बहुत ज़्यादा भीड़ जैसा था, खुद के काम में था, तो एक विचार आया कि हम बाबा भोलेनाथ की नगरी में रहते हैं, उस नगरी में एक कॉन्सेप्ट है कि एक सोच है और एक लाइफ है कि सब कुछ कहीं जाके मिल जाना है, और ईमानदारी से तो कहें सब कुछ जाके कुछ नहीं में मिल जाना है, तो कुछ नहीं में सब कुछ की फिलॉसफी को लेके, जो मेरी बहुत पुरानी फिलॉसफी अपनी है कि नथिंग इज एवरीथिंग, और उस परिकल्पना को लेकर मैंने साकार करने का प्रयास किया। तो ये हुआ कि अपनी सोच को क्रम वाइज मैं दिखाऊँ, सीरियल वाइज, तो पहले कड़ी में मैंने ये प्रयास किया है कि कुछ नहीं मैं सब कुछ के कॉन्सेप्ट को अगर मैं ब्लैक एंड वाइट, काले सफ़ेद और जितने हमारे रंगीन स्पेशली जो विक्टोरिया या रेनबो कलर्स होते हैं उनके थ्रू कैसे करूँ, तो एक कॉन्सेप्ट आया कि कुछ बनाया जाए। तो कुछ बनाया जाने में क्या हो रहा है कि आज के समय में जब भी आप देखिए तो हर समय आपको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बनाया ही जा रहा है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो इतनी ज़्यादा हो गई, चाहे वो चित्रकारी हो, हर समय आप कुछ देखना चाहते हैं, आपको कोई फिगर चाहिए, कोई लैंडस्केप चाहिए, कोई सीनरी चाहिए, कोई जानवर चाहिए, मतलब आप अपनी सोच को एक सीमित दायरे में रखने का प्रयास करते हैं कि मैं पेंटिंग देखने जा रहा हूँ या यहाँ जा रहा हूँ तो मुझे ऐसा ही कुछ दिखना चाहिए, और वो खूबसूरत होता है, उसको किसी और नज़रिए से न सोचा जाए, वो अच्छी चीज़ है, वो होते रहनी चाहिए। तो पहले कड़ी में ये प्रयास हुआ कि कुछ न बनाया जाए, तो कुछ न बनाना अपने आप में आप समझते हैं कि कितना कठिन काम है, क्योंकि आपके मन में इतने द्वंद्व चलते रहते हैं कि आप उससे लड़ नहीं पाते और आपका साहस ही नहीं होता कि हम कुछ न करें, क्योंकि कुछ ना करना अपने आप में सब कुछ करने के बराबर है, ये मेरी ऐसी सोच है। और फिर सोच को जब मैंने कुछ साहित्यकारों से बात की, कुछ अपने मित्रों से बात की, छात्रों से बात की, छात्र ही असली मित्र है, रिसर्च स्कॉलर्स, तो कुछ हुआ कि चलिए कुछ कार्य करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसी फिलॉसफी को अपनाया कि काशी के अंदर यहाँ पे सब कुछ आके कुछ नहीं में मिल जाता, फाइनली आपको एक दिन सब कुछ छोड़ के चला जाना है, आपका गाड़ी घोड़ा बंगला पैसा ये वो सब एक दिन जाके सब कुछ साथ, ऐसा लगता है कि हम सब कुछ साथ में ले गए। उसी को अडॉप्ट करते हुए, इसी सोच को सोचते हुए मैंने ये बताने का प्रयास किया कि हमारे लाइफ में बहुत सारे तरीके के मोमेंट्स होते रहते हैं, बहुत सारे तरीके के मोमेंट्स भी आते रहते हैं, तो जिंदगी अंधकार से गुजरती है तो प्रकाश आ जाता है, और फिर जिंदगी जब प्रकाश की तरफ से गुजरती है तो अंधकार भी आता है। तो लाइफ के जो अप्स एंड डाउन्स हैं उसको इनसे दिखाने का प्रयास किया है, लेकिन इसके बियॉन्ड जिंदगी इतनी काली सफेद नहीं है, जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, बहुत रंगीन है, इसके बड़े सारे अच्छे चैप्टर्स लाइफ के रहते हैं जहाँ हंसते खेलते गुनगुनाते लोगों के साथ अपनी पूरी बड़ी फैमिली बनाते हैं, दुनिया बनाते पढ़ते हैं,
तो फिर ये हुआ कि रंगों के साथ भी कुछ खेला गया, रंगों के साथ, और जब रंगों को सफेद या काले के साथ मिक्स किया गया तो एक स्पेस बना, एक शेप बना, एक शेप स्पेस में उस शेप को डिवाइड किया गया। और फिर इस तरीके से प्रयास हुआ कि हमारे जिंदगी में जो भी कलर है, जैसे ये बैंगनी कलर है, इसको इसको अगर हम लें तो अपने लाइफ में जिस तरीके के हमारे इसके साथ की फीलिंग्स है, एक अलग तरीके का आभास होता है, एक खुशी का आभास होता है। जब यहाँ पर हम आते हैं तो हम अपने लाइफ में अकेले बैठने, कुछ अपने आप से जब बात करने का प्रयास करते हैं तो हम अपने आप को एक ऐसे आईने में देखते हैं जहाँ हमको ही पता होता है कि हम कितने काले हैं, हम कितने सफ़ेद हैं। उस वो भी एक जिंदगी का बहुत जरूरी समय होता। आजकल के इस आधुनिक दौर में ये समय मिलना बड़ा मुश्किल है कि आदमी अपने आप से बातें करे, क्योंकि उसको सबसे बातें करनी है और अपने लिए ही हमारे पास समय नहीं है। इसी तरीके से जब हम येलो कलर में आते हैं और जब इसका और सफ़ेद का एक अवतरण होता है, क्योंकि सफ़ेद को मैं ऐसा मान रहा हूँ एक खुला आकाश है, बस सीमित जगह है, और बाकी जो कलर्स लगाए उन कलर से थोड़ा सा बाउंड्री बंधी है कि चाहे हम इसको सूरज की तरह माने या चाहे हम अपनी जिंदगी में रोशनी की तरह माने, इस तरीके की फिलॉसफी को लिया होता है। ये कलर तो हम सबके लिए बड़ा पवित्र कलर माना गया हमारे, और हम सब इसको मानते हैं। हिंदू धर्म का सबसे अच्छा कलर है नारंगी, सैफ्रॉन, और चाहे आप इसको बजरंगबली जी का भी रंग कहिए। लेकिन ये है कि इसको करने के बाद एक ऐसे तरीके की अंदर से साहस, शक्ति या संतुष्टि मिलती है कि जिसको हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो इस कलर की सबके लाइफ में अपनी होती है, लाइफ का कलर है, जिंदा रहने का कलर है। हमारे जिंदगी के बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स में इस कलर का उपयोग होता है। तो लाइफ के जो अप्स एंड डाउन्स हैं उन्हीं को मैंने अपने इस चित्रकारी में, कला में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ब्लू कलर है, हमको उड़ने की आभास दिलाता है, हमारी सोच के दायरे को ऊपर ले जाता है, आसमान की तरफ ले जाता है। और आजकल पिछले कई दिनों से मैं थोड़ा नासा या इसरो या इस तरह ब्लैक होल्स या आकाश गंगाओं पे ऐसे ही कुछ सर्च करते करते पढ़ने को मिलता है, तो वो सिस्टम आजकल के मोबाइल में ऐसी फैसिलिटीज़ हैं कि वो सारी चीज़ें आपके पास बार बार रिमाइंड कराने के लिए आ जाती हैं। तो फिर आकाशीय दुनिया में कैसे हम मालूम चलता है कि हम कहाँ हैं, नहीं हैं, कितने स्वतंत्र हैं, हमारे विचार कैसे उस पर आते हैं। डार्क ब्लू कलर भी फिर हमको ऐसे ही आभास दिलाता है। और इन सारे को करने का ये मकसद था मेन कि ये कलर जब सफ़ेद के साथ मिलते हैं तो जो प्रकाश से जब एक कलर में परिवर्तन होता है उस समय कैसे फीलिंग्स आती है। और एक तरीके से मैंने इसको ध्यान के उद्देश्य से भी बनाया है कि इस तरीके की पेंटिंग की गैलरी में आप बैठ के अगर आप अपने आप से बातें करें तो आपको लगेगा देखें कि हाँ, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ कुछ नहीं होने का मतलब है कि यहाँ पर फिर बहुत कुछ है। आप जो सोच सकते हैं वो है कि आपके कपड़ों के रंग हो सकते हैं, आपके पसंदीदा कलर हो सकते हैं, आपके लाइफ के अच्छे मोमेंट्स हो सकते हैं। जैसे ये सब कलर ऐसे हैं कि हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे समय को उपयोग होते हैं। हम जब लड़कपन में रहते हैं तो बहुत सारे इस तरीके के रंग होते हैं, जब थोड़े से बड़े होते हैं तो लाइफ में हमारे जब दो चार फैमिलीज मिलती हैं तो इन रंगों का बड़ा उपयोग होता है। सिंदूरी रंग हमारे ज़िंदगी में जो हम लोगों की पूरी आधी आबादी है उसके लिए लाइफ बहुत मायने रखता है, स्पेशली भारतीय रीति रिवाज में। लाल रंग में सबसे ज़्यादा दैनिक कुमार होता ही है कि इसको सबसे ज़्यादा तेज कलर कहा गया है और तेज जैसा है। काले में हम पूरी एक दुनिया रात हो जाती है, उस रात के बाद उस रात में भी कैसी दुनिया होती है हम आप नहीं देख पाते, सोच पाते, उसके उद्देश्य से है। सफ़ेद तो सारे मैं ऐसा लगता है कि मेरी अपनी सोच में सारे कलर इन दोनों में आके मिलते और इन्हीं दोनों से ये निकलते हुए चले जा रहे हैं। तो मैंने एक स्क्वायर शेप में सारी चीज़ों को रखने का प्रयास किया है। एक शेप के अंदर कैसे हम अनशेप हो सकते हैं इसके लिए प्रयास किया है। फिर हरा रंग हमको प्रकृति की ओर ले जाता है, शांति की ओर ले जाता है। मतलब इन कलर की जो एक तरीके से प्रैक्टिकल नॉलेज है वो हमारे साथ कैसे बीतती है। जैसे हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हैं तो वहाँ इतनी हरियाली है, उसका हमारे लाइफ में क्या असर पड़ता है, हमको किस तरीके का फील आता है। एक हमने उस तरफ इन्हीं सारे फ्लैट कलर्स को यहाँ सिंगल कलर लगाया और वहाँ वाइट के साथ लगाया है, तो उससे ये आभास होता है कि आपके अगर एक असीमित दायरा जो हमारी सोच का है वो कहीं न कहीं आगे सीमित होता है जहाँ तक हमारी आँख देखती है। उस नज़रिए से इस काम को किया है।
और इन सेप को ऊंचे नीचे दाएं बाएं उल्टा सीधा करके लगाने का यही प्रयास है कि जिंदगी में सारे पड़ाव आते हैं सफ़ेद से काले में, काले से सफ़ेद में, और इस तरीके की जो सोच है वो है। और ये श्री राम छाटपार संन्यास जो कि 21 मार्च 1999 को महान शिल्पी पद्म श्री संतोष चौधरी जी के द्वारा बना था, और ये हम उस समय पढ़ने के लिए लगभग आ ही थे, लेकिन उसके पहले प्रोफेसर मदनलाल सर की बहुत है राम छाटपार जो ने बड़ी खूबसूरत से इन्होंने अपने यहाँ एक बड़ा बड़ा अजीब बहुत ही अजूबा टाइप का एक चीज बनारस ऐसे शहर में बनाया हुआ है। और फिर यही उसी तरीके के कलर पैटर्न पे हम यहाँ पर काम देखते हैं कि इस तरीके से जो कलर है हमारे को किस उद्देश्य की ओर जाते हैं या उद्देश्य ही तीन होता है, और इस पूरे कलाकृति का जो समावेश होता है वो इन दोनों पेंटिंग्स में होता है कि आखिरकार जब ब्लैक एंड वाइट हमारे जिंदगी में थोड़ा सा एंगल लेते हैं और जब सीधे रहते हैं तो हमारी सोच कहाँ तक जाती है। तो इस पूरे चित्रकला प्रदर्शनी के दौरान मैंने अपनी सोच को यही करने का प्रयास किया है कि इसमें मैं कोई सोच डालू ही नहीं, इस सोच को बिना सोच के काम करने की तरह से काम करूँ, तो इसीलिए मैंने कुछ भी बनाने का प्रयास नहीं किया है और ये सोचा है कि इसी में सब कुछ है। ये मतलब पहले स्तर का काम है, इसके बाद इसकी 3 सीरीज आने वाली है, लगभग 3-4 महीने बाद किसी और जगह पे हम इस प्रदर्शनी को फिर ले जाएंगे थोड़े बड़े लेवल पे ही, और उस तरीके का काम करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो इसका टाइटल था मैक्स मिनिमलिस्ट, उसका मतलब हुआ कि मैक्सिमम मिनिमलिज्म, ऐसे मेरी सोच और अवधारणा है कि ज़्यादा से ज़्यादा में कम से कम बात को कैसे कहा जा सकता है, इस पूरी सोच के साथ मैंने अपना ये काम किया है। उम्मीद करता हूँ कि जो दर्शक यहाँ आ रहे होंगे उनको कुछ न कुछ चीज़ें अच्छी लग रही होंगी या अजीबी लग रही होंगी, उन्होंने अपने अपनी चीज़ों को कुछ न कुछ अपनी बातों में लिखा हुआ है। धन्यवाद। मैंने प्रयास किया कि मैं पहले कैसे काम करता था लगभग उसके बारे में थोड़ा आप लोगों को बताऊँ, और मेरे काम में क्या बदलाव आया, क्या वो ऐसा एक है या पूरे तौर पर बदला है या वो एक बदलाव की प्रक्रिया के तहत है। तो मेरे जो थोड़े शुरू के काम थे ये थोड़ा मेरे मतलब पिछले करीब 7-8 साल के दौरान के काम है कि जब मैंने लाइन ड्राइंग से ऊपर पेन एंड पेंसिल से बहुत कुछ खोजने का, पहले ना जैसे ऐसा सोचा जा सकता है कि एक कलाकार या जो एक कला का अध्यापक है वो किस तरीके से अपनी बातों को सोचता है और क्या लाइफ में उसके स्ट्रगल रहे हैं उसको किस तरीके से करता है। तो मुझे अपने पहले के कामों में थोड़ा जैसे मैं कुछ खोज रहा हूँ या बहुत कुछ सर्च कर रहा हूँ एकाएक, और कहीं ऐसे जगहों में फंसा हूँ जहाँ से निकलने का प्रयास हो रहा है, कुछ इस तरीके के कामों को लेके मैंने ब्लैक एंड वाइट के तौर पर ही पहले काम किया। ये मेरा पहला कलर वर्क है, मतलब कुछ कैंप में भी काम किए होंगे, उसके अलावा जो है प्रोफेशनली कोई सोलो एग्जीबिशन या ग्रुप एग्जीबिशन में जब लगाया तो इस तरीके का पहला काम है जो पहले आप अभी देख रहे हैं मैक्स मिनिमलिस्ट वाला। और ये इस तरीके की ड्राइंग के मेरे काम जो मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर मैंने कुछ पेंसिल स्ट्रोक से एक्सपेरिमेंट्स किए, इसकी लंबी खास सीरीज है, इसमें कई तरीके के अल्फाबेट्स को बनाने का प्रयास किया है जो पेंसिल स्ट्रोक से होते हैं, बड़ा फोर्सफुली बनाया है, उसमें हाथ का भी पूरा फोर्स है, मसल्स है, क्योंकि बच्चों को सिखाने के लिए भी एक्सरसाइज होती है, तो इसमें खुद भी करने का प्रयास किया है कितने फोर्स से इन सारे कामों को किया जा सकता है और उस कोर्स में किस तरीके की चीजें निकल के आती हैं, इस तरीके का मैंने एक करने का प्रयास किया है। और मुझे खुद भी ऐसा प्रतीत हो रहा है अपने पुराने कामों को देख के कि मैं पूरा ही मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, कहा बहुत सारी चीजों के साथ बहुत कुछ बनाने समझाने के प्रयास के साथ एकाएक कुछ भी न बनाने का प्रयास किया। ये कुछ उसी और कुछ आप ऐसा कह सकते हैं कि अप्रिसिएट किए गए काम है, इसमें से कई काम देश की कई अच्छी गैलरीज में लगे हैं, यूपी स्टेट ललित कला अकेडमी, आईफैक्स, अमृतसर, नागपुर, इससे अच्छी जगह कुछ सेलेक्ट हुए, कई सोलो शोज में इस तरीके के मेरे काफ़ी बड़े बड़े काम, मैंने पेपर के करीब 23-22 के बड़े बड़े पेपर पर भी काम किया है। तो शुरू का जो मेरा शुरुआती दौर का काम रहा वो पेपर पेन एक कलर या चारकोल में रहा है, इस तरीके के काम किया है। और ये सारे काम ब्रश हैं, कुछ रफ टाइप के ब्रश हैं और पेपर्स हैं, उनके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंटेड करना या रोलर के थ्रू काम करना
उन सारे कामों को दिखाया गया है कि जो लाइफ में टेक्सचर्स होते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, उनके बीच में जो द्वंद होता है उससे निकलने का, कभी कभी जिंदगी बिल्कुल सपाट हो जाती है, कभी कभी जिंदगी में चारों तरफ से रोशनी दिखती है, कभी कभी रोशनी का कोई एक दौर दिखता है। जैसे ये कॉन्सेप्ट जो है ब्लैक होल की जगह मैंने व्हाइट होल बनाया। ब्लैक होल में क्या होता है, सब कुछ समाहित हो जाता है, और व्हाइट होल बनाने का मैंने ये प्रयास किया कि इससे सब कुछ निकल रहा है, क्योंकि ब्लैक होल में जाने के बाद भी कहीं ना कहीं चीजें निकलती हैं। तो कुछ इस तरीके के काम किए, ये कुछ ही काम मुझे लगता है करीब करीब इस तरीके के मेरे 70-80 आर्टवर्क है अभी भी जो अच्छे हैं, और कुछ बढ़िया आर्ट प्राइवेट कलेक्शंस में है, बनारस में है। रघु राय जी के पास जो फेमस फोटोग्राफर है उनके पास मेरे ये काम है, और US और कनाडा में कुछ इंस्टीट्यूशंस में जहाँ मैं पहले गया था वहाँ शोज वगैरह लगाए थे, इस तरीके के काम। और फिर एकाएक मेरा ये काम आ जाता है जो बिल्कुल ही मेरे निगाह में क्या है कि बहुत कुछ भी नहीं कह रहा है लेकिन बहुत कुछ कहने का प्रयास कर रहा है। इस पूरे काम को मैं अपने पुराने काम से खुद भी ये रियलाइज कर रहा हूँ कि बिल्कुल एकाएक ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट जो अपनी लाइफ है बहुत सॉलिड पार्ट है वो सबसे ज्यादा मुझे अभी भी प्रभावित करता है। तो हो सकता है कि ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज भी मेरे कुछ अगले काम अगले 2-4 साल के अंदर आए, क्योंकि मैं थोड़ा रेगुलर लेवल पे एक्टिव इस तरीके से कामों के लिए जा रहा हूँ। थैंक यू। आपने अभी सुना आर्टिस्ट मनीष अरोड़ा जी को, उन्होंने एक्सप्लेन किया अपने काम के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, इस एग्जीबिशन के बारे में, और ऑल दिस वर्क्स अब देखते हैं इन क्रिएशंस को बहुत तसल्ली से। आप देखिए और समझिए, दिस आर एब्सोल्युटली डिफरेंट। द प्लेइंग विद कलर, द स्पेस एंड द मिनिमलिस्ट फॉर्म is something very strange, simple and beautiful. You have to look at this works again and again and again to understand the meaning. Kaam ko dekhiye, saath rahiye, please support Art Keeper, please subscribe and share with friends, with the family. I need your support and stay with this video till the end. Enjoy. सर उस साइड से ऐसे घूम के आ जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे विथ आर्ट कीपर, प्लीज सपोर्ट आर्ट कीपर, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच।